नोटबंदी पर मोदी सरकार की ओर से जारी 2000 के नोट जल्द बंद हो सकते हैं। जी हां, संघ के विचारक गुरुमूर्ति की माने तो 2000 रुपए के नोट भी बंद हो जाएंगे। 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बैन कर दिया था, जिसके बाद 2000 के नोट चलन में लाए गए हैं। गुरुमूर्ति ने कहा है कि कुछ साल में 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। 2000 के नोट सरकार ने इसलिए छापे हैं ताकि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में नोटों के गैप को जल्द से जल्द भरा जा सके। सरकार छोटे नोटों पर ज्यादा भरोसा करती है और इसलिए बड़े नोटों को अगले 5 साल में चलन से बाहर कर दिया जाएगा। निकट भविष्य में 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा, इसके बाद 250 रुपए और 100 रुपए के नोट होंगे। संघ के विवेकानंद फाउंडेशन में गुरुमूर्ति अहम स्थान रखते हैं और नोटबंदी के दौर में सरकार के लोगों ने कई बार उनसे सलाह भी ली है, इसलिए 2000 रुपए के नोट बंद होने को लेकर दिया गया उनका बयान काफी मायने रखता है। और अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने इस बार काले धन को लेकर 2000 के नोटों की जमाखोरी की है, उनके भी दिन लदने वाले हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।